नमस्कार भाइयों, दादा दोला डेयरी फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गो माता, जय गोपाल। भाइयों, आपके दादा दोला डेयरी फार्म में मूल भारतीय नस्ल की गौ माताएं रहती हैं। हरियाणा राठी, साहिवाल, थारपारकर, गिर, गिद्री, राठी इत्यादि, जो इन गौ माताओं से घी दूध प्राप्त किया जाता है और ऑर्डर के ऊपर मिठाई का भी, अच्छा से अच्छी मिठाई भी तैयार करने का हमारा जो अनायक उद्देश्य वो भी जारी रहता है। आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, दीपावली का जो आने वाला जो त्यौहार है उसके ऊपर जो मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं ये गोमाताओं के इन्हीं के दूध से तैयार की जाती हैं और इनसे घी भी प्राप्त किया जाता है। आप देख सकते हैं ये गोमाता एक शानदार अपनी कदकाठी के साथ, दो दिन पहले इसने अपनी बेटी को जन्म दिया है। बहुत अच्छा शानदार हम साइज, जो हमारी मूल भारतीय नस्ल के अंदर पहचान होती है, अगले पैर की बिल्कुल सीध के अंदर, बिल्कुल अगले पैर को अगर हम नीचे से एंगल को लेके चलते हैं तो वहां पर जो ये हम्प होगा ये मूल भारतीय नस्ल की पहचान होती है। वो कम या ज्यादा हमारी क्षेत्र के हिसाब से हो सकता है। शानदार कदकाठी में दूसरी बार इसने अपनी बेटी को जन्म दिया है और इस गोमाता की अगर दूध कैपेसिटी की बात करें तो भाइयों 14 से 15 लीटर दूध की इसकी कैपेसिटी है। अभी आप खीस से खाली जो गोमाता कच्चा दूध जिसको बोलते हैं उससे खाली की हुई आर्डर, जो कच्चे दूध से खाली हो चुका है इसका, आप देख सकते हैं। फिर भी अच्छी दुधारू आपके सामने इतनी हाइट और सफेद रंग के साथ लंबी पूंछ, जो भी हमें शांत स्वभाव, बहुत शांत स्वभाव में जो गोमाता जो गुण चाहिए वो सब गोमाता के अंदर संपन्न है। थनों की अगर बात करें तो अच्छे मुठियादार थन और दूध की जो आप नसें देख सकते हैं, जो ये अडर की साइड जो अगले पैरों से पेट के साथ साथ होती हुई जो नसें होती हैं जितनी मोटी, जब ये अपने पूरे दूध के पीक पर आएगी तो ये बहुत मोटी नसें जो है ना उभर के सामने आएंगी। छोटे छोटे सींग, हम्प जैसे एक नंदी की तरह से गोमाता का हम्प। बाकी वीडियो एक माध्यम मात्र होता है जो आप तक जानकारी साझा करता है। आप अपने हाथों से जांचें परखें तभी गोमाता का चयन करें। किसी वीडियो के माध्यम से हमसे अगर कोई आप तक ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे। फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि आपकी संतुष्टि हमारे द्वारा जो है ना अच्छी से अच्छी की जाए। तो आपने इस गोमाता को निरंतर वीडियो में देखा, आप बने रहे, इतना अपना कीमती समय दिया। आप जो पुराने साथी हैं हमारे उनको पता है आपके दादा धोला डेयरी फार्म में थारपारकर नस्ल पे भी एक बहुत ऊंची लेवल की जो गोमाताएं हैं जो प्योरिटी ब्रीडिंग में, उनके ऊपर आगे बढ़ाने का भी एक प्रयास किया जाता है। अच्छे से अच्छे नंदियों का भी चयन किया गया है। तो भाइयों, आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी अपने दोस्तों तक अवश्य साझा करें और हमें जरूर अपने सुझाव भी दें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।